दोस्तों, अगर आप 100cc की बाइक को डिस्क ब्रेक के साथ खरीदना चाहते हैं तो पेश है आपके सामने बजाज प्लैटिना 100cc कम्फर्टेक BS6 डिस्क ब्रेक के साथ। दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे इस बाइक में डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है और ये एच गियर नहीं है, ये प्लैटिना 100cc है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये प्लैटिना 100cc है और ये BS6 बाइक है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैं आपको BS6 बाइक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसमें डिस्क ब्रेक लगा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लैटिना 100cc ड्रम ब्रेक में है। ये आप देखेंगे ये ड्रम ब्रेक है, यहाँ पर BS6 प्लैटिना, यहाँ पर ये 100 कम्फर्टेक। और वही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 कम्फर्टेक। तो अब ये प्लैटिना आपको डिस्क ब्रेक में भी मिलेगी। प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, माइलेज भी बताऊंगा, और साथ में जब ये डिस्क ब्रेक हुई है तो इसमें क्या और चेंज हुए हैं, बजाज कंपनी ने क्या बदलाव किए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वाइजर और हेडलाइट वही है, इसमें आपको LED DRL मिलते हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लैटिना 100cc कम्फर्टेक BS6 को डिस्क ब्रेक के साथ खरीदते हैं तो यहां पर आपको इंडिकेटर में चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां पर जो ये इंडिकेटर लगाए गए हैं, ये जो प्लैटिना कम्फर्टेक एच गियर है उसका इंडिकेटर इसमें आपको मिलता है। दोस्तों, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे 100cc प्लैटिना ड्रम ब्रेक वाली ब्रेक बाइक में यहां पर आपको इस प्रकार के इंडिकेटर मिलते हैं, जबकि यहां पर आप देखेंगे 100cc एच गियर में जो इंडिकेटर मिल रहे हैं वही आपको 100cc कम्फर्टेक BS6 में डिस्क ब्रेक वाली में मिल रहे हैं। दोस्तों, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको पहले से ही मिल रहा है, इसमें कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्क ब्रेक मिलेगी। और जब आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम में तो डिस्क ब्रेक भी लगेगी, जिससे आपकी बाइक अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सके। तो जो इसके अंदर बदलाव थे दोस्तों आगे से, वो मैंने आपको दिखाए। बाकी अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो जो ये इसका लीवर है वही लीवर है जैसा कि आप इनकी जो ASB ब्रेकिंग सिस्टम में होता है, जिसमें आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है, ये पीछे की ब्रेक से ये दबेगा, तो ये सारे सिस्टम वही है। दोस्तों, अगर मैं आपको मीटर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मीटर में कोई चेंज नहीं है, जैसा 100cc कम्फर्टेक का मीटर है वैसा ही मीटर इसमें भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जैसा मीटर इसका 100cc ड्रम ब्रेक वाली बाइक का है वैसा ही मीटर इसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ये योक और इसके डिस्क ब्रेक में अंतर है। अब जो दूसरे बड़े बदलाव की बात की जाए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आपको इनकी एच गियर में नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलते हैं, वही सस्पेंशन आपको 100cc कम्फर्टेक BS6 में नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे 100cc कम्फर्टेक में आपको SNS सस्पेंशन मिल रहा है, इसमें आपको यहाँ पर नाइट्रॉक सस्पेंशन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ लेते हैं तो आपको सस्पेंशन भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इसमें नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलेगा। ये बदलाव बजाज कंपनी ने इसमें किए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टैंक पैड इसमें अब आपको मिलने लगा है, इसमें आपको टैंक पैड नहीं मिलता है 100cc वाली बाइक में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अगर आप प्लैटिना 100cc कम्फर्टेक का टॉप मॉडल खरीदेंगे तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, टैंक पैड मिलेंगे, अच्छे सस्पेंशन मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दोस्तों मिलने वाली है। यही इतने इसमें बदलाव किए गए हैं, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो मात्र 4000 रुपये का इसमें और 100cc में मात्र 4000 रुपये का अंतर है। इसकी कीमत है 59500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, और ये बाइक उपलब्ध है कनक बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में, आप यहां पर इस बाइक को खरीद सकते हैं। माइलेज की बात करें तो दोनों बाइकों की माइलेज में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही बाइकें आपको लगभग 70 से 75 तक की माइलेज दे सकती हैं सही चलाने पर, क्योंकि दोनों ही बाइकें 100cc की हैं, BS6 हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो जो मैंने बनाई थी इनकी रिव्यू की, उसमें मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर और इनकी जो पेट्रोल टी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। वही चीज़ मुझे बार बार गाना गाना पड़ता है कि जैसे कि नहीं तो जैसे जो नए लोग होंगे वो जान नहीं पाएंगे, तो जैसे कि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है, जिससे आपकी बाइक अगर कभी भविष्य में रिपेयरिंग की बात आई तो इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, तो ये चीज़ इसमें अच्छी बात है। अगर हम बात करें जैसे कि इसके स्पेक्स की दोस्तों, तो इंजन की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 102cc का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 7.9 PS की पावर मिलती है 7500 RPM पर, 8.34 Nm की टॉर्क मिलती है 5500 RPM पर दोस्तों। और इसमें आपको 4 गियर ही मिलते हैं, क्योंकि ये 100cc की बाइक है, और कम्फर्टेक के लिए दोस्तों इसमें इसी प्रकार के पैडल को बनाया गया है दोस्तों। तो ये नई चीज़
आई थी, नया मॉडल आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ कि 100cc में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जैसे शौकीन होते हैं वो डिस्क ब्रेक चाहते हैं, जिनको डिस्क ब्रेक लगाने के बारे में पता होता तो वो 100cc में डिस्क ब्रेक ढूंढते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस मॉडल को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोगों की क्या राय है प्लैटिना 100cc डिस्क ब्रेक BS6 को लेकर, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मैंने आपको प्राइस, माइलेज, फीचर्स जो भी इसमें बदलाव हुए थे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल पर आए ये मेरा सौभाग्य है, मुझे काफी खुशी हुई। आप अपना कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे इस चैनल पर आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।